मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अहम खबर आपको बता दें, डोडा से मिल रही है जहां पर पुलिस लाइन के पास ग्रेनेड हमला हुआ है और हमले में एसओजी का एक जवान जख्मी हुआ है। जवान को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। हिफाजती दस्तों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर मिल रही है डोडा से, जहाँ पर पुलिस लाइन के पास ग्रेनेड हमला हुआ है। इस हमले में एसओजी का एक जवान जख्मी भी हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हिफाजती दस्तों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जी मीडिया रिपोर्टर राजा रहमत जवान साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजा, कितने बजे ये हमला किया गया है और फिलहाल कैसे हालात है वहां पर? आज ग्रेनेड हमला हुआ है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इस पुलिस लाइन के बाहर से जो है ये ग्रेनेड हमला किया गया है। अभी तक जो है कुछ पता नहीं चल पाया है कि कौन अपराध थे जिनने ये फेंका है, और जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात दो एसएसजी के जवान थे उनमें से एक जो है उसने जख्मी हुआ, जिसे हॉस्पिटल में जो है लिया गया है और वो अंडर ट्रीटमेंट है। तो उसमें यही जो है बताया जा रहा है, जो कि एसपी ऑपरेशन है डोडा के, उन्होंने जो है कहा है कि इसमें जो है इसमें दो द्वार हैं, एक तो फ्रंट है इसका और एक बैक साइड से जो है इसमें फेंका गया है, और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस जख्मी जवान के जख्मी होने की खबर है उसकी हालत फिलहाल कैसी बताई जा रही है? जी, उसकी अगर पहले पहचान की बात करें तो उसका जो है जहूर अहमद नाम से पूंज के रहने वाले हैं, और उनकी जो है कंडीशन अभी स्टेबल कही जा रही है, जो कि ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा। और कुछ सस्पेक्ट क्या इसमें पकड़े गए हैं अभी तक? नहीं, हमने आइडिया कार्डन किया हुआ है, सर्च उसमें चल रही है अभी, ऐसे अभी कोई अपने सस्पेक्ट अभी उठाया नहीं, बट अब हम काम कर रहे हैं उसके। सर, ये मिलिटेंसी फ्री एरिया है, तो इस तरह के इनपुट्स क्या आपके पास थे, क्या आगे कुछ ऐसा? नहीं, डोडा सच मिलिटेंसी इसमें यहाँ पे एक्टिव मिलिटेंट डोडा में नहीं है, बट मे बी यहाँ का कोई OGW वगैरह जब उस तरह का अब ये वारदात हुई है, तो अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे किसने किया। तो पुलिस एहलकार को हम सुन रहे थे, सीधे तौर पर वो बता रहे थे कि फिलहाल अभी जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है। राजा रहबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये मिलिटेंसी फ्री एरिया कहलाता है, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की वाक़ात सामने आए हैं तो वाकई में काफ़ी तश्वीशनाक है, इसके ऊपर गौर खोज करने की ज़रूरत है। जी शाबा, देखा जाए तो अभी जो है अगर चिनाब वैली की बात की जाए, चिनाब वैली को जो है मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था, उसके साथ साथ जो है किश्तवाड़ में कभी कभी जो है ऐसे घटनाएं होती रहती, क्योंकि अभी जो है कुछ मिलिटेंट जो है एक्टिव कहे जाते हैं, जो कि जहांगीर नाम का एक जो है जो मिलिटेंट वो अभी भी जो है एक्टिव कहा जाता है और वही जो रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन जिला डोडा को जो है अब जो है फ्री कहा जा रहा था, मिलिटेंसी फ्री कहा जा रहा था, लेकिन जो घटना आज हुई है जिसमें जो है अटैक हुआ है बिल्कुल DPL के बाहर, उससे यही लग रहा है कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश जो है फिर से हो रही है मिलिटेंसी को, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। आज से जम्मू कश्मीर के